अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेलेट सिया को जो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हो रही थी, बट उसका हस्बैंड मिस्टर हुओ वहाँ पे नहीं था। और फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर हुओ की ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी और मिस्टर हुओ की सिस्टर यान डिसेबल हो गई थी, बट उसे लगता है कि ये सब जिया ने किया है, इसलिए वो उससे गुस्सा था और छोड़ के चला जाता है। पर जिया उसे नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। तभी प्रेजेंट में डॉक्टर बताता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, इसे बचाने के लिए इसकी सर्जरी करनी होगी। पर उस हॉस्पिटल में इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसलिए जिया कहती है मिस्टर हुओ को ये बच्चा दे दो, वही इसे बचा सकता है, और फिर सॉरी बोलने लगी थी। फिर हमें पता चलता है कि जिया एक नहीं दो बच्चों से प्रेग्नेंट थी, जिसमें से पहली वाली बच्ची मिस्टर हुओ के पास और दूसरा बच्चा जिया के पास ही रह गया। फिर 4 साल बाद जिया फौरन से वापस आ जाती है। केविन कहता है अब तुम बड़े हो गए हो तो अपना और अपनी मोम का अच्छे से ध्यान रखना। मोमो हाँ कर देता है। जिया ने अपना नाम बदलकर जेन रख लिया था, अब वो एक फेमस डिजाइनर है। तो मोमो केविन को बाय बाय अंकल कहता हुआ चला जाता है। जिया की बेस्टी उसका वेट कर रही थी और उसे देखते दोनों हक कर लेती हैं। बेस्टी खुश हो रही थी और कहती है तेरे जले हुए निशान भी ठीक हो गए। अरे वाह मोमो, और उसे किस कर लेती है। मोमो कहता है मम्मी देखो फिर से लड़कियां मेरे पीछे पड़ गयी। बेस्टी कहती है भले ही मिस्टर हुओ कमबैक निकला पर उसके जीन्स काफी अच्छे हैं, देखो मोमो कितना हैंडसम है। और फिर वो तीनों लिफ्ट से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ से मिस्टर हुओ अपनी बेटी को गोद में लेके जा रहा था, वो भी लिफ्ट से। सीसी कहती है डैडी देखो आपका, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आप मुझे अब भी गोद में उठाए रखते हो, मैं बहुत गुस्सा हूँ। जिया कहती है थैंक यू बेस्टी, अगर तूने उस वक्त मेरा फेक डेथ सर्टिफिकेट न बनाया होता तो मिस्टर हुओ मेरे पीछे पड़ गया होता। और उसे एक सुंदर सा नेकलेस गिफ्ट देती है। सेक्रेटरी जीन को फोन करता है मिस जीन जल्दी आइए हमारे बॉस आने वाले हैं। जिया कहती है ओके तो मैं जा रही हूँ, तुम मोमो का ध्यान रखना, और भाग के वहाँ जाती है। तभी जीजी वहाँ अपनी बॉल से खेलती हुई वहीं आ गई थी और कहती है मम्मी, और उसे आकर के मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। जिया उस बच्ची को देखने लगी थी और उसे याद आता है कि बेस्टी ने उसे बताया था कि मिस्टर हुओ के पास एक बच्ची है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। वो पूछती है वो बच्ची ठीक तो है ना। मोमो उनकी बातें सुन रहा था पर जानबूझ के सोने का नाटक करता है। मेड आकर जीजी को ले जाने लगी थी तो वो कहती नहीं मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगी, बट मेड उसे पकड़ के ले जाती है जबकि जिया उसे रोकने वाली थी। पर फिर वो अपना मुंह छुपा के भागने लगती है पर उसे सेक्रेटरी मिल जाता है जो कहता है जल्दी करो बॉस आ रहे हैं। जिया कहती है मेरे पास टाइम नहीं है कभी और आऊंगी, और भागने लगी थी बट वो उसे रोकने लगा था। तो जिया जल्दी से अपने गॉगल्स लगा लेती है और मास्क पहन लेती है ताकि मिस्टर हुओ उसे पहचान ना पाए। इधर स्टेप सिस्टर फोन पे किसी से बात कर रही थी कि मैं जल्दी मिस्टर हुओ की वाइफ बनने वाली हूँ। तभी जिया उसे देख लेती है और हम पास्ट में देखते हैं स्टेप सिस्टर जिया को जान से मार रही थी कि तूने मिस्टर हुओ को मुझसे छीन लिया, मेरी जगह तूने उससे शादी की। पर ग्रैंडमा जिया को बचा रही थी इसलिए स्टेप सिस्टर ग्रैंडमा को ही जान से मार देती है। स्टेप सिस्टर कहती है और अब ग्रैंडमा की मौत का इल्जाम आएगा तेरे नाम पे। सेक्रेटरी जिया को लाता है कि ये फेमस डिजाइनर जेन है, बट वो मिस्टर हुओ को देख भाग जाती है। सेक्रेटरी कहता है मिस जेन वापस आओ। मिस्टर हुओ गुस्से से खड़ा हो जाता है कौन है जो मेरी बात नहीं मान रहा। तभी वहाँ पर जीजी रोती हुई आती है। मिस्टर हुओ पूछता है क्या हुआ तो जीजी बताती है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था डैडी। वैन कहती है तेरी मॉम तो मर गई। वो कहती है मैं सच्ची बोल रही हूँ, इस मेड ने मुझे मेरी मम्मी से दूर किया। तो सीसी रोती हुई जाकर मिस्टर हुओ को हक कर लेती है। मिस्टर हुओ कहता है दोबारा से मेरी बेटी के सामने ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। और कहता है सीसी रो मत, डैडी तुम्हारी मम्मी ढूंढने में हेल्प करेंगे। सीसी कहती है हाँ डैडी हम मम्मी को साथ में ढूंढेंगे, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, मुझे मम्मी के साथ सोना भी है। मिस्टर हुओ कहता है क्यों तुम्हें डैड के साथ सोना पसंद नहीं है। वो कहती है पसंद है पर सब बोल रहे हैं कि डैडी की शादी होने वाली है, शादी के बाद डैडी किसी और के साथ सोएंगे। मिस्टर हुओ कहता है किसने कहा। मिस्टर हुओ घूरता है तो मेड कहती है वो नौकर तो बस ऐसे मजाक कर रहे थे। फिर वो जब जाने लगे थे तो जिया कार में जा रही थी। जीजी चिल्लाने लगती है डैडी जल्दी करो मॉम को पकड़ो, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मैं नहीं चाहती वो वैन मेरी मॉम बने, जल्दी करो डैडी। मिस्टर हुओ कहता है असिस्टेंट कार का नंबर चेक करा के इन्फॉर्मेशन निकालो, और सोचता है क्या सच में वो जिया थी। इधर जिया जल्दी से आकर अपना सामान पैक करने लग जाती है। बेस्टी कहती है क्या हुआ तू कहाँ जा रही है, तुझे तो क्लाइंट से मिलना है ना। वो कहती है मैंने मिस्टर हुओ और दीदी को देखा, अगर मैं यहीं पे रही तो मिस्टर हुओ मोमो को मुझसे छीन लेगा। बेस्टी कहती है इसका मतलब फिर से तू मुझे और अपनी बेटी दीदी को छोड़ के चली जाएगी।
सीसी कहती है तो मैं क्या करूँ? तुझे लगता है मैं मिस्टर ओ को सामना कर पाऊंगी? पर मैं अब अपने बेटे मोमो को नहीं खो सकती। बेस्टी कहती है पर तू हार कैसे मान सकती है? वैसे भी मिस्टर ओ के लिए जिया 4 साल पहले मर चुकी है। तू अब जेन है, सबसे पहले हमें मोमो को छुपाना होगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन भी करेगा तो सबसे पहले मेरे पास आएगा और मैं उसे कभी सच नहीं बताऊंगी। फिर वो भागकर जब विंडो से बाहर देखती है मिस्टर ओ घर के अंदर आ रहा है। मिस्टर ओ को सोच रहा था क्योंकि 4 साल पहले जिया की बेस्टी ने उसे एक बच्ची दी थी और बताया था कि जिया की मौत हो गई और कहती है तुझे अपनी वाइफ से ज्यादा अपनी सिस्टर जैन पे भरोसा है ना? और तेरी वाइफ का क्या जिसने तेरे बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी? वैसे भी जिया के खिलाफ कोई खास प्रूफ नहीं मिला है। मिस्टर ओ कहता है मैं यकीन नहीं करता जब तक मैं उसकी डेड बॉडी नहीं देखूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि वो मर गई। तो बेस्टी उसे जिया की ग्रेव की फोटो दिखाती है। असिस्टेंट मिस्टर ओ को फोन कर बताता है कि वो कार मिस चेन की है जो फेमस डिजाइनर आपके साथ कोऑपरेशन करने वाली है। मिस्टर ओ कहता है तुझे नहीं लगता ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? असिस्टेंट कहता है आपका मतलब वही आपकी वाइफ है? मिस्टर ओ कहता है तुमने 4 साल पहले मुझसे झूठ बोला था और अब भी सच छुपा रही हो। चलो ठीक है तो फिर एक गेम खेलते हैं। और असिस्टेंट को फोन कर कहता है किसी को जेन पे नजर रखने को बोल दो, कुछ होए तो मुझे खबर करना। और फिर वापस चला जाता है। तो बेस्टी अगर बताती है कि मिस्टर ओ चला गया। जिया अपने बेटे मोमो के साथ सो रही थी। मॉर्निंग में बेस्टी उसे फोन कर बर्थडे विश करती है तो जिया कहती है मोमो जल्दी उठो चलो हम टॉयज लेने चलते हैं। वो कहता है मम्मी आप कितनी बड़ी हो गई अभी टॉयज से खेलती हो? वो कहती है प्लीज प्लीज। तो कहता है चलो चलते हैं फिर। और फिर दोनों शॉपिंग करने जाने लगे थे। जिया कहती है बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं भी वॉशरूम होके आती हूँ। मोमो कहता है लड़कियों के साथ शॉपिंग पे आना कितना मुश्किल काम है। वो कहती है ओके तुम वीडियो गेम खेल लो जाके मैं अभी आती हूँ। मोमो भाग जाता है तो जिया भी जाने लगती है। और हम देखते हैं वहीं पर मिस्टर वो भी अपनी बेटी जीजी के साथ आया था। जीजी कहती है डैडी मुझे वीडियो गेम खेलनी है मुझे वहाँ जाना है। तो वो उसे छोड़ देता है और असिस्टेंट को उसमें नजर रखने को बोल देता है। इधर मोमो वीडियो गेम खेल रहा था और वो बहुत बिंदास खेल रहा था कि बच्चे उसके लिए क्लैप करने लगे थे। तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और कहती है वाओ ब्रो तुम तो बढ़िया खेलते हो। मोमो कहता है एक बार अगर इस गेम का पैटर्न समझ में आ जाए तो इसे खेलना बहुत आसान है। सीसी कहती है वाओ तुम तो बिल्कुल मेरे डैड की तरह हैंडसम हो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मोमो कहता है अगर तुम्हें खेलना है तो किसी और के साथ खेलो मैं जा रहा हूँ। वो उसके आगे हाथ कर देती है बट वो जाने लगा था तो वो गिर जाती है और रोने का नाटक करने लगी थी। मोमो उसे पकड़ के उठाता है तो कहती है ब्रो मुझे तुम बहुत पसंद हो तो चलो हम साथ में खेलते हैं प्लीज मना मत करना वरना मैं फिर रो दूंगी। मोमो कहता है बस करो रो मत मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं। और उसका हाथ पकड़ कहता है ओके मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा पर मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही है तो मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। जीजी कहती है मैं तो तुमसे जेलस हूँ तुम्हारे पास मम्मी है। मोमो कहता है सबके पास मम्मी होती है तुम्हारे पास भी होगी। जीजी कहती है नहीं मेरी मम्मी अभी तक मिली नहीं है और डैड कह रहे हैं कि गेम खेलने के बाद हम उन्हें ढूंढेंगे। इधर जिया वॉशरूम में हैंड वॉश कर रही थी तभी पीछे से मिस्टर हुओ आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू थे। जिया को पास्ट का याद आता है कि कैसे मिस्टर हुओ हमेशा उसकी हेल्प करता था। जब भी मिस्टर हुओ की मोमो से बुली करती थी तो मिस्टर हुओ हमेशा उसे बचाता था और कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यैन भी उसे बुली करती थी तब भी मिस्टर हुओ बचाता था। बट फिर एक दिन वो यैन के साथ कार में जा रही थी और उनका कार एक्सीडेंट हो गया पर यैन ने मिस्टर ओ को झूठ बोल दिया कि जिया की वजह से वो डिसेबल हो गई। बट रियल में मिस्टर ओ उसे बहुत लव करता है क्योंकि जब उसे पता चला कि उसकी डेथ हो गई वो उसकी ग्रेव पर जाकर बहुत ज्यादा रोया था। और जिया को तो एक वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसे हक कर लेता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिया कहती है तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो छोड़ो मुझे। वो कहता है प्लीज मुझे एक मिनट तक पकड़ने दो तो वो उसे नहीं हटाती। मिस्टर ओ कहता है तुम जरूर जिया हो ना। वो उसे धक्का मार देती है तो मिस्टर ओ कहता है तुम्हारा फेस भले ही थोड़ा बदल गया बट तुम्हारी आईज और तुम्हारी खुशबू बिल्कुल सेम है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बट जिया सॉरी बोल के जाने लगी थी तो मिस्टर ओ कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम चेन है। तो वो कहता है अच्छा तुम वही डिजाइनर हो जो फॉरन से हमारी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करने आई है तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जिया कहती है मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेशन ही नहीं करना। वो कहता है तुम कोऑपरेशन कैंसिल कैसे कर सकती हो? तभी सीसी डैडी डैडी करती भाग के आ जाती है उसके पास पर फिर जिया को देख कहती है मम्मी मम्मी और उसे हक कर लेती है डैडी आप तो सच में बहुत कमाल के हो आपने मम्मी को ढूंढ लिया मम्मी आप मुझसे मिलने आई हो। मम्मी मेरा एक भाई भी है बट वो उसे पीछे कर देती है जबकि जीजी गिर गई थी। मिस्टर कहता है जीजी तुम ठीक तो हो ना? जीजी कहती है मुझसे कोई गलती नहीं हुई है फोटो में तुम ही मेरी मॉम हो रोज रात को डैड तुम्हारी फोटो देखकर ही रोते हैं।
मम्मी, क्या आपको भी मेरे डैडी पसंद है? मम्मी, आप मुझे भी लव करती हो ना? मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। जिजी देखती है मोमो जा रहा है पीछे से, तो कहती है मुझे जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ, और भागने लगी थी। मिस्ट्रो कहता है तुम फिर से अपनी बेटी को छोड़ के जा रही हो। जीजी कहती है डैडी मम्मी पे गुस्सा मत करो, मम्मी मुझे बहुत लव करती है ना मम्मी, बट वो सॉरी बोल के भाग जाती है। और फिर अंदर आके रो रही थी, सॉरी मैं एक मॉम हूँ, कैसे कैसे कर सकती हूँ, जीजी अपनी मॉम को माफ कर दो। जीजी कहती है डैडी क्या सब मुझसे नफरत करते हैं? वो कहता है तुमसे कोई नफरत नहीं करता। तो कहती है फिर मॉमी मुझे लाइक क्यों नहीं करती? मिस्टर कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी हम दोनों के पास फिर से वापस आ जाएगी। इधर सिया देखती है मोमो को, तो वो उसे अंदर खींच लेती है। जीजू उसे देख कहती है भाई, डैडी वहाँ पे भाई था। तो मिस्टर जीजी को उठाकर उसी डायरेक्शन में आने लगता है। इधर सिया मोमो को हक करके रो रही थी, तो वो कहता है मम्मी क्या हुआ आपको? वो कहती कुछ नहीं, मुझे लगा तुम खो गए। मोमो कहता है मम्मी अब मैं 4 साल का हो गया हूँ, तो मुझे 3 साल के बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। मिस्टर जीजी को गोद में उठाकर और असिस्टेंट के साथ उसी डायरेक्शन में उसे ढूंढने आ रहा था, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि जिया तो मोमो को अपनी कार में लेके जाने वाली थी। मोमो मिस्टर हो को देख सोचता है ये अंकल बिल्कुल मेरे जैसे को लग रहे हैं, और उसकी बेटी बिल्कुल मेरी मॉम जैसी। जीजी कहती है डैडी मैंने एक भाई को देखा, वो बिल्कुल आपके जैसा था। मिस्टर कहता है कोई मेरे जितना हैंडसम कैसे हो सकता है, तुम्हें जरूर धोखा हो गया होगा। जीजी कहती है अरे मैं सच बोल रही हूँ, आपको यकीन करना तो करो वरना मत करो। मिस्टर असिस्टेंट से पूछता है तो बताता है कि हाँ मैंने बिल्कुल आपके जैसे एक बच्चा देखा, और वो बिल्कुल जीजी की एज का था। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी वाइफ ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हो? मिस्टर कहता है जल्दी गाड़ी घुमाओ, और वो दोनों कार से देखते हैं जिया को, तो जिया मोमो को और खुद को छुपा रही थी। फिर वो केविन को फोन कर कहती है ये शॉपिंग मॉल तुम्हारी कंपनी का है ना, तो प्लीज सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग हटाने में मेरी हेल्प करो। इधर मिस्टर वो शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी फुटेज देखने आया था, पर गार्ड बताता है कि हमने आज ही सिस्टम अपडेट किया है, इसलिए सारी पहली रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई। मिस्टर वो समझ आता है कि ये जरूर जिया ने किया होगा, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। इधर ये दोनों माँ बेटा घर आते हैं, तो मोमो कहता है मम्मी मुझे अपना आईपैड दे दो, गेम खेलना है। वो उसे आईपैड दे के चली जाती है, बट मोमो तो मिस्टर हो के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगा था, और कहता है यानी ये मेरे डैड है। इधर अपनी मम्मी को मिस करते करते जीजी की तबीयत खराब हो जाती है, और उसे फीवर हो गया था। जिया को रात में सपना आता है, जीजी रो रही है मम्मी आप मुझे लव नहीं करती हो ना? जिया कहती है बेटा मम्मी तुम्हें बहुत लव करती है, मेरी मजबूरी है। पर जीजी चिल्लाने लगी थी नहीं आपने मुझे छोड़ दिया था, और उसे धक्का मार के गुस्से से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हुआ चाहता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। डॉक्टर आके कहते हैं सॉरी हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। तो जिया रोने लग जाती है नहीं जीजी को क्या हो गया, और वो डर के मारे सपने से उठ जाती है। मोमो उठ के कहता है मम्मी आपको क्या हुआ, बुरे सपने आ रहे हैं? जिया कहती है मुझे तुम्हारी छोटी बहन का सपना आया। मोमो कहता है मेरी छोटी बहन है, कहाँ है वो, क्या वो डैडी के साथ है? और सोचता है जरूर वही बच्ची मेरी बहन होगी। तो कहता है क्या हम यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आए हैं? तभी जिया को फोन आता है कि जीजी की तबीयत खराब हो गई, तो जिया जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगी थी। मोमो कहता है मम्मी सिस्टर बीमार है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिया कहती है तुम घर पे वेट करो, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी सिस्टर से मिलवा दूंगी, और उसे हक करके चली जाती है। मोमो सोचता है आप मुझे फिर से बच्चा समझ रही हो, आप मुझे नहीं लेके जाओगी तो मैं वहाँ खुद आ जाऊंगा। इधर मिस्टर वो भाग के हॉस्पिटल आता है, और डॉक्टर से कहता है कुछ भी करो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। वो दोनों जीजी को देखने आए थे, असिस्टेंट कहता है आपकी वाइफ? मिस्टर भी स्माइल करता है चलो वो आखिर आई गई वापस, बट अंदर आके देखता है वो तो वैन थी, और कहती है हमारी जल्दी शादी होने वाली है ना, तो उस डिजाइनर को बुला लो वापस, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बट मिस्टर हुआ उसे दूर कर देता है, जीजी को रेस्ट करना है तो निकलो यहाँ से। उसके जाने के बाद मिस्टर कहता है तुमने सिया को फोन कर बताया नहीं? असिस्टेंट कहता है बताया था, और वो काफी जल्दी में भी लग रही थी। तभी जीजी खांसने लग जाती है, तो उसका ध्यान रखने लगा था। उसी हॉस्पिटल में सिया भी जीजी को ढूंढ रही थी। वैन उस डॉक्टर से बातें कर रही थी कि एक बार मैं बस मिस्टर हो की वाइफ बन जाऊं, फिर तो जीजी को ऊपर पहुंचा देना है, और उसका डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। जिया उन्हें देख लेती है और उनकी बातें भी सुन लेती है। नर्स कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो जिया जल्दी से भागने लगी थी। वैन कहती है यहाँ पे कौन था, और वो भी उसी डायरेक्शन में भागती है। जीजी जाके छुप जाती है, बट वैन उसे एलिवेटर के मिरर में देख लेती है। तभी मोमो जिया को अंदर खींच लेता है। वैन सोचती है नहीं वो तो मर गई, मेरा वहम होगा। जिया पूछती है बेटा तुम यहाँ पे, तो वो कहता है मम्मी आपको सिस्टर से मिलना है ना, मेरे पास आइडिया है आप नर्स बन के चले जाओ। तो जिया उसे हक करके थैंक यू करती है। मोमो कहता है जल्दी करो मॉम सिस्टर आपका वेट कर रही होगी, तो जिया उसे वेट करने को बोलकर चली जाती है। मोमो कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ मैं बिल्कुल नहीं डरता। जिया नर्स बन के जीजी के रूम में आती है,
तो कहती है, सॉरी बेटा, मॉम तुम्हारे पास नहीं रह सकती, पर मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। किसी के आने की आवाज सुनो जाने लगी थी, पर सिजु उसका हाथ पकड़ लेती है, मॉम प्लीज मत जाओ। तभी वहाँ पर मिस्टर हु और असिस्टेंट आ जाते हैं। मिस्टर हु ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने जिया को ना पहचाना हो और उस नर्स को जाने को बोल देता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपने मैडम को जाने क्यों दिया? मिस्टर हु कहता है, टेंशन मत लो, जब तक जीजी मेरे पास है वो कहीं नहीं जाएगी, तुम बस जाके उसके साथ कोऑपरेशन करने की तैयारी करो। और जीजी कहता है, बेटा हम तीनों फैमिली बन के साथ में खुश रहेंगे। जीजी वापस आती है तो मोमो से कहती है, अगर तुम्हारी मम्मी यहीं रुक के तुम्हारी सिस्टर का ध्यान रखना चाहे क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? वो कहता है, और नहीं तो क्या मम्मी, अगर आपको सिस्टर की याद आ रही है तो मैं उसे चुरा लूंगा। जिया को ये मजाक लग रहा था, बट मोमो कहता है, मम्मी मैं सीरियस हूँ। फिर जब रात में मोमो सो रहा था तो वो सैड होकर ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वैन बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो उसकी बेटी जीजी को नहीं छोड़ेगी। जिया रेडी होकर आती है, बेस्टी कहती है, वाओ तू तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आज। मोमो कहता है, मेरी मम्मी तो रोज ही ब्यूटीफुल लगती है। तभी जिया को मिस्टर हुओ का फोन आता है कि हम आज दोपहर में मिलेंगे रेस्टोरेंट में, तो जिया जल्दी से वहाँ आती है क्योंकि अपनी बेटी को बचाने का यही एक रास्ता है। फिर मिस्टर हुओ से हैंडशेक करती है। मिस्टर हुओ कहता है, क्या तुम शादीशुदा हो या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिया कहती है, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पर मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारी तो एंगेजमेंट होने वाली है। मिस्टर हुओ कहता है, अगर तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पसंद है तो मैं तुम्हें भी दिला दूंगा एक। तभी मिस्टर हुओ का फोन आता है कि जीजी की तबीयत खराब है, तो वो जाने लगा था, पर जिया भी उसके पीछे आने लगी थी। रियल में मिस्टर हुओ तो नाटक कर रहा था, पर जिया भी उसके पीछे आने लगती है। मिस्टर हुओ के घर आते ही जीजी पूछती है, डैडी मम्मी कहाँ है, आपके साथ नहीं आई वो? वैन कहती है, तुम जाकर खेलो, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। जीजी कहती है, तुम तो अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? तो वैन का पोपट हो गया था। और मिस्टर हुओ कहती है, हमारी एक मंथ बाद शादी है, डिजाइनर शीन मान गई है। वैन खुश होती है, तुमने उसे मेरे लिए ढूंढा? मिस्टर हुओ कहता है, उसे देखते तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जीजी सबको सुन रही थी तो कहती है, तुम मेरी मॉम बनना चाहती हो, पर मैं तुम्हें अपनी मॉम नहीं बनाऊंगी। मिस्टर हुओ कहता है, ये तुम्हारी मॉम नहीं बनेगी। वो कहते है, सच में? मिस्टर हुओ कहता, हाँ, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? तुम जाकर खेलो। तो वो खेलने चली जाती है बाहर। असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम की कार बाहर खड़ी है, बट वो अंदर नहीं आ रही। जिया बाहर खड़ी सोच रही थी कि तो मैं उनकी मैच मेकिंग डिजाइनर हूँ, उनके घर जाना तो नॉर्मल है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मैं वापस आ गई, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। जीजी बाहर खेल रही थी और मिस्टर हुओ खड़ा जिया को देख रहा था। वैन को गुस्से में देख मेट कहती है, मिस्टर हुओ आपसे शादी जरूर करेंगे, तभी तो उन्होंने आपके लिए डिजाइनर ढूंढी है। वो कहती है, हाँ मुझे लव करता है, शादी भी करेगा, बस ये है एक छोटा पैकेट। और फिर जीजी की सूप में कुछ मिला देती है, तो जीजी को बुला के सूप पिलाने लगी थी। जीजी कहती, मैं नहीं पीऊंगी, बहुत गर्म है, बट वो जबरदस्ती उसकी मुंडी पकड़ उसे पिलाने लगी थी, तो जीजी कुल्ला कर देती है, डैडी बचाओ मुझे। मिस्टर हुओ आकर कहता है, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, उसे गर्म सूप पिला रही थी? जीजी से चिढ़ाने लगी थी। फैन कहती है, तुम इस बच्ची के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? मिस्टर हुओ कहता है, इसके लिए तो मैं तुम्हारा मर्डर भी कर सकता हूँ। वैन कहती है, तुम चाहे कुछ भी कह लो, जीजी की स्टेप मॉम तो मैं ही बनूंगी। जीजी कहती है, मैं इसे अपनी मॉम कभी नहीं बनाऊंगी। मिस्टर हुओ कहता है, मैंने बोला ना, जीजी की सिर्फ एक ही मॉम है, वो है जिया, अगर दोबारा मेरी बेटी को हर्ट भी किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। तो वैन गुस्से से जाने लगी थी, पर आगे से जिया की कार आ जाती है, उसे देख तो उसकी आंखें फट गई थी। तू जिंदा है? जिया कहती है, तुम क्या बोल रही हो? मैं मिस्टर हुओ के डिजाइनर जेन हूँ। वैन कहती है, तेरी शक्ल उस जिया से मिलती है, ये मतलब नहीं मिस्टर हुओ तुझे चांस दे देगा। और उसके थप्पड़ मारने वाली थी, पर जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे गुस्सा में दलाओ, थप्पड़ मारना मुझे भी आता है, और उसे डिजाइन सिखाती है। बट वैन उसके थप्पड़ मारने वाली थी तो मिस्टर हुओ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और डिजाइन की बात करने के लिए जिया को अंदर ले जाता है। जिया उसके घर में आ रही थी तो मिस्टर हुओ कहता है, तुम बिल्कुल मेरी एक्स वाइफ जैसी दिखती हो, और उसके क्लोज होने लग जाता है। जिया को गुस्सा आ रहा था, बट फिर खुद पे कंट्रोल कर लेती है। जिया भाग के आती है, मम्मी आप आ गई, आप बिल्कुल स्टोरी की स्नो वाइट जैसी दिखती हो, और डैड बिल्कुल प्रिंस जैसे। जिया कहती है, जीजी मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, पर क्या तुम्हें स्नो वाइट पसंद है? मिस्टर हुओ कहता है, इसने बोला नहीं तुम्हारी मॉम नहीं है। जीजी कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसी को अपनी मॉम बनाना है। तभी वैन भगी भगी आती है और जीजी को हक कर कहती है, जीजी मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जीजी कहती है, छोड़ मुझे बैड लेडी, बट वो छोड़ नहीं रही थी। मिस्टर हुओ चिल्ला के पड़ता है, तब जाके छोड़ती है वो जीजी को। वैन कहती है, मुझे तुझसे कोई वेडिंग ड्रेस नहीं बनवानी, निकल यहाँ से। जिया जाने लगी थी, जीजी कहती है, डैडी मम्मी को रोको प्लीज। वैन कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो नकली है, तुम्हारी मॉम नहीं है। जीजी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही मेरी मॉम है। तभी मिस्टर हुओ जिया को रुकने कहता है, कहती है, लगता है मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। और जाने लगी थी, जीजी अपनी वाटर गन ला के वैन पे चलाने लगती है, पहले तू निकल हमारे घर से। मिस्टर हुओ उसे रोकता है तो वो कहती है,
डैडी, ये आंटी मेरी मम्मी को बुली कर रही थी और ये मुझे भी बुली करती है। मम्मी प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ना। जिया खुद पे कंट्रोल कर रही थी और कहती है मुझे अभी जरूरी काम है तो मैं किसी और दिन तुम्हें खिलाने ले चलूंगी, और चली जाती है। जबकि जिजी रो रही थी मम्मी मम्मी, और जिया भी बाहर आके रोती है। जिजी वैन को धक्का मार के अंदर भाग जाती है। वैन कहती है मैंने जिजी के लिए इतना कुछ किया पर ये मुझे ऐसे ट्रीट करती है। मिस्टर वो कहता है और तुम मेरी बेटी से दूर रहो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। वैन कहती है तुम मुकर कैसे सकते हो, भूलो मत तुम्हारी बहन येन की जान मैंने बचाई है। बट मिस्टर उसे भगा देता है। जिया अपनी कार से वापस आने लगी थी तभी वैन आ जाती है और कहती है मैं सब समझ रही हूँ, तुम मिस्टर हुओ पे डोरे डालने आई है ना, पर समझ ले मिस्टर हुओ सिर्फ मेरा है। जिया कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरी अभी तक मिस्टर हुओ से शादी नहीं हुई है। वैन उसको थप्पड़ मार देती है तो जिया भी गुस्से में उसको थप्पड़ मार डालती है। अगर तू पागल है तो मेंटल हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज करा, समझी, बाहर आके पागल कुत्तों की तरह हरकतें मत कर। और अपनी कार से चली जाती है। मिस्टर असिस्टेंट को कहता है पता करो कि जिया ने फॉरन जाकर क्या क्या किया है कि वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई। वैन मिस्टर की सिस्टर यान के पास जाती है और जेन की फोटो दिखाती है। जेन कहती है ये अभी तक मरी नहीं, तो वैन कहती है ये बस उसकी हमशक्ल है, जिया नहीं है। पर यान कहती है अगर उसका चूरा भी हो जाएगा मैं तब भी उसे पहचान लूंगी, यही जिया है। क्या मिस्टर हो को पता है वो जिया है? वैन कहती है नहीं, तुम मेरी हेल्प करोगी? जेन कहती है अब तो एक ही रास्ता है, इसे टपका दो। वैन कहती है पर वो तो सिर्फ हमशक्ल है ना, तो मारने की क्या जरूरत है? पर यान चिल्ला के पड़ती है हमशक्ल है तो क्या हुआ, उसे मरना होगा। इधर मोमो केविन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। जिया आती है तो पूछता है मम्मी आप सिस्टर को कब लेके आओगी? जिया कहती है बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी उसे फोन आता है तो कहती है मेरे स्टूडियो की बुरी हालत हो गई है, इसने मेरा स्टूडियो तोड़ दिया, मैं भी आती हूँ। इधर हम देखते हैं जिया के स्टूडियो को जैन और वैन ने खराब कर दिया था। तभी जिया आकर वैन के थप्पड़ मार देती है। मैंने तुझे पंगा लेने से मना किया था ना, तू सुधरेगी नहीं? येन उसे हेलो करने लगी थी और कहती है पिछली बार तो मैं तुझे जान से मार नहीं पाई पर इस बार नहीं बचेगी तू। और यहाँ पता चलता है कि येन एक नंबर की साइको है। पर जिया उसका हाथ मोड़ देती है तुम लोगों ने जो मेरे स्टूडियो की हालत की है मुझे पुलिस को कॉल करना होगा, और पुलिस को कॉल करने लगी थी पर वैन उसे धमकी देती है। येन कहती है भूल मत मिस्टर वो हमारी साइड है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी मरवा सकती हूँ। जिया कहती है मिस्टर वो आपने सब कुछ सुन लिया? तभी मिस्टर वो बाहर आ जाता है तो येन जो इतने गुस्से में थी एकदम से कहती है ब्रो तुम क्या तुम्हें अभी इसके लिए फीलिंग्स हैं? मिस्टर वो कहता है मेरा काम है मैं खुद हैंडल कर लूंगा पर तुम इतनी हद तक मत गिरो, और उसे वापस ले जाने लगा था। जिया पुलिस को कॉल करने लग जाती है तो उसे रोक देता है। पास्ट में जिया ने मिस्टर वो को बताया था कि कुछ लोगों ने मेरा कार एक्सटेंड करने की कोशिश की पर मेरी कार में ही येन बैठी थी बट मिस्टर वो ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। तो जिया गुस्से से कहती है तेरी सिस्टर ने मेरे स्टूडियो का ये हाल किया और तुम मुझे रोक रहे हो? तो येन उसे माफी मांगने लग जाती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम मेरे भाई की एक्स वाइफ जैसी दिखती हो इसलिए, टेंशन मत लो मैं तुम्हें कम्पनसेट कर दूंगी। तो मिस्टर वो येन को ले जाता है। मिस्टर वो के जाते ही येन वैन से कहती है तुम मिस्टर वो की वाइफ बनना चाहती हो ना, तो जीजी को तुम्हें स्लीपिंग पिल्स खिलानी होंगी। वैन पहले तो मना करने लग जाती है कि नहीं मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, पर येन उसे भड़का देती है अगर तूने ऐसा नहीं किया तो वो जेन मिस्टर वो से शादी कर लेगी। जिया घर आती है, मोमो सो रहा था तो वो उसे कपड़ा उड़ा देती है। जीजी कहती है डैडी आप मुझे लाइक नहीं करते हो ना? वो कहता है किसने कहा, तुम्हें तो सब लाइक करते हैं, तुम कितनी क्यूट हो। वो कहती है आप झूठ बोल रहे हो, फिर मम्मी मुझे लाइक क्यों नहीं करती? और तभी उसे खांसी आती है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। मिस्टर वो उसे जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागता है। जिया ने खाना बना लिया था और वो मोमो को उठाने आती है, जल्दी से उठ जाओ मैंने तुम्हें टेस्टी खाना बनाया है। पर मोमो उठ ही नहीं रहा था तो वो देखती है उसे बहुत ज्यादा फीवर हो गया तो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल भागती है। मिस्टर वो भी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके आया था और जिया भी उसी हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेके आती है, पर असिस्टेंट उसे दूर से देख लेता है। दोनों अपने अपने बच्चों को एडमिट करवाते हैं। असिस्टेंट सोचता है क्या सच में मैडम ने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था? डॉक्टर कहता है मिस्टर वो आप बाहर वेट कीजिए। मिस्टर वो कहता है जीजी ने खाने से जस्ट पहले मेडिसिन खाई थी तो इस मेडिसिन की टेस्टिंग करवाओ, और डॉक्टर को टेस्ट करने को दे देता है। पर अंदर आते डॉक्टर से वैन वो मेडिसिन छीन लेती है। वैन उसके साथ फ्लर्ट करती हुई कहती है किसी को भी इसका पता नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर कहता है टेंशन मत लो तुमने इसे स्लीपिंग पिल दी है किसी को पता नहीं चलेगा। असिस्टेंट मिस्टर को बताता है कि मैंने अभी मैडम को देखा और उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद बीमार था। मिस्टर वो कहता है उसके पास बच्चा कैसे आया, तुम्हारा मतलब उसने शादी करके उसका बच्चा भी है? असिस्टेंट कहता है हो सकता है कोई गलत फहमी हो, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर मिस्टर वो असिस्टेंट के फोन से जेन को कॉल करने लगा था, उसे रिंगटोन आ रही थी बट पता चलता है वो तो किसी डॉक्टर का फोन था।
जिया कहती है, सॉरी बेटा इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हें घर अकेले छोड़ के चली गई थी। वो कहता है, मम्मी रो मत, मैं आपको सैड नहीं देख सकता, मुझे पता है आप सिस्टर के लिए ऐसा कर रही हो। वो कहती है, पर मैं सिस्टर के लिए तुम्हें थोड़ी ना इग्नोर कर सकती हूँ। सॉरी, मोमो कहता है, पर सिस्टर तो बचपन से आपके साथ नहीं थी, वो कितनी लोनली होगी, तो आपको सिस्टर को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। जिया कहती है, तुमने भी अपने डैडी को बहुत मिस किया होगा। मोमो सोचता है, पर क्या डैडी ने मुझे मिस किया। असिस्टेंट बताता है कि लंग इन्फेक्शन की वजह से जीजी बीमार हो गई थी, पर अभी उसका फीवर थोड़ा ठीक है। मोमो का ध्यान रखते रखते जिया सोच आती है। मोमो उठ के वॉशरूम जाने लगता है, वहीं पर मिस्टर हुओ था तो वो उसे टकरा चाहता है। तो कहता है, बच्चे तुम ठीक तो हो ना, तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ के आऊँ। मोमो कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 4 साल का हूँ, मैं अपनी मम्मी को खुद ढूंढ लूंगा। मिस्टर कहता है, ओके तो अपना ध्यान रखना, और जाने लगा था, बट मोमो उसका हाथ पकड़ कहता है, रुको, क्या तुम मुझे वॉशरूम ले चलोगे। मिस्टर हाँ कर देता है। तो कहता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, पर कभी कभी अचानक से लाइट बंद होने से थोड़ा अंधेरा हो जाता है। मिस्टर उसे वॉशरूम ले जाता है। रात में सोते सोते जीजी भी उठ जाती है और डैडी डैडी करती बाहर आ जाती है। मिस्टर कहता है, सच में मैं तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हें ले जाऊं। वो कहता है, नहीं मैं चला जाऊंगा। उसके जाने के बाद मिस्टर को कहता है, आजकल के मॉम डैड कितने इरेस्पॉन्सिबल हैं। तभी मोमो को रास्ते में जीजी मिल जाती है और पूछता है, तुम यहाँ पे। वो कहती है, हाँ भाई मुझे बहुत प्यास लगी है। मोमो कहता है, तुम मुझे भाई बोल रही हो। जीजी कहती है, हाँ तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं बन रहे और तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, तो मैं तुम्हें भाई तो बोलूंगी। मोमो कहता है, ओके तो मैं तुम्हें पानी दिला लेता हूँ। जिया उठते ही मोमो को ढूंढने लग जाती है, पर वैन को वहाँ आते देख छुप जाती है। मिस्टर हो ऐलान करता है, जिसे तुम कहाँ पे हो, जहाँ भी हो वहीं रहो, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। जिसी कहती है, लगता है डैड मुझे ढूंढ रहे हैं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, मेरे डैड से मिलोगे, मेरे डैडी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं। मोमो कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर अपने डैड से मिलो। जिसी कहती है, चलो ना मेरी मम्मी भी आने वाली है, और उसका हाथ खींच के उसे ले जाने लगी थी। मोमो हाथ छुड़ाता है तो जीजी झटके से गिर जाती है। मेड आकर जीजी को गोद में उठाने लगी थी, बट मोमो चला जाता है। जैसे वहाँ पे जिया आती है, जीजी मम्मी मम्मी करती हुई उसके पास आ जाती है। मम्मी आपको पता चल गया मैं बीमार हूँ, आप मुझसे मिलने आई हो। वो कहती है, बेटी तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं अपने भाई से भी मिली थी। पर मेड जिया को धक्का मार देती है, हमारी यंग लेडी को टच भी मत करो, और जीजी को जबरदस्ती उठा कर ले जाती है। जिया कुछ भी नहीं कर पा रही थी और फिर मोमो के पास आती है। मोमो कहता है, मम्मी सिस्टर बोल रही थी कि तुम उसके पास चली जाओगी, क्या आप मुझे अब लाइक नहीं करती हो। कहती, किसने कहा, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मोमो कहता है, तो क्या हम दोनों डैडी और जीजी के पास जाएंगे। वो कहती है, तुम्हें पता चल गया जीजी तुम्हारी सिस्टर है, और सोचती है, पर मैं तुम्हारे डैड को नहीं पता चलने दूंगी तुम्हारे बारे में। मिस्टर जीजी को ढूंढ रहा था तभी मेड उसे लेके आ जाती है, पूछता है, तुम कहाँ गई थी, मैं कितना डर गया था। जीजी कहती है, डैडी मैं पानी लेने गई थी, तभी मैं अपने भाई से मिली जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। मिस्टर सोचने लगा था कि क्या सच में जिया ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट तो नहीं थी, और मेड से कहता है, जीजी को घर ले जाओ। जीजी कहती है, डैडी अब कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई को ढूंढने। तो जीजी बड़ा खुश होती है। मेड सोचती है, मुझे सारी बात वैन को बतानी होगी। जिया मोमो को घर लेके आई थी, पर किसी लड़के को देख डर जाती है, बट वो तो बेस्ट ही निकलती है। मोमो कहता है, आंटी तुम इससे मिलने आ गई, और हक्का लेता है। तो जिया उसे बताती है कि मैं वैन और जैन से भी मिली थी, वो दोनों जीजी को हर्ट कर सकती हैं। बेस्ट कहती है, टेंशन मत लो, मिस्टर वो जीजी को कुछ नहीं होने देगा। जिया कहती है, पर जीजी कितनी बार हॉस्पिटल चली गई। मोमो कहता है, मम्मी क्यों ना हम सिस्टर को चुरा ले। बेस्टी कहती है, क्या तू सच में ऐसा करने वाली है, वो जीजी है मिस्टर वो की बेटी, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी कोई डोलवर बचाता है, तो जिया जल्दी से उन दोनों को छुपने को बोल देती है। बट वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं कि तुम तो फेक डिजाइनर हो, तुम तो औरों के डिजाइन चुराती हो, और उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगे थे। तभी केविन आकर कहता है, सब लोग अपनी बोलती बंद कर लो, जेन मेरी कंपनी की डिजाइनर है। वो लोग कहते हैं, तू कौन है इसका साथ देने वाला। तो बताता है कि मैं केविन हूँ। रिपोर्टर्स कहते हैं, अच्छा ये तो टॉप डिजाइनर केविन है, और सब लोग भाग जाते हैं। मिस्टर वो देखता है उसके घर से रिपोर्टर्स निकल रहे हैं, तो भाग के अंदर आता है, पर वहाँ पे जिया के साथ केविन को देख जेलस हो रहा था। जिया चैन की सांस ले ही रही थी। मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ कहता है, तो तुमने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था। वो कहती है, पहली बात तो मेरा नाम जेन है, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, और मैंने तो किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है जब मेरी शादी ही नहीं हुई। मिस्टर वो कहता है, तुम कितनी सेल्फिश मॉम हो, अपने बच्चों को मानने से इंकार कर रही हो, एक को यहाँ छोड़ गई, एक को अपने साथ ले गई, तुम्हें पता भी है बच्चे दोनों अपने मॉम डैड को कितना मिस करते होंगे। और उसे पकड़ के ले जाने लगा था, केविन उसका हाथ पकड़ कहता है, मिस्टर वो तमीज से पेश आओ, ये मेरी एम्प्लॉय है। मिस्टर वो कहता है, अच्छा ऐसा बॉस जो बीच रात में एम्प्लॉय के घर आए।
दोनों लड़ने लगे थे। जिया छुड़ा कहती है, दोनों निकलो यहाँ से। मिस्टर वो कहता है, मैं अपने बेटे से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें पता भी जीजी का क्या हाल है, वो मम्मी को याद याद कर कितना रोती है, प्लीज जीजी के लिए। केविन उसे रोकने लगा था तो कहती है, मुझे जाने दो केविन, तुम इस मामले से दूर रहो। मिस्टर वो अपने साथ उसे कार में ले आया था और कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे बच्चों के बाप होने का हक भी छीन रही हो। जीजी कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, मैं सिर्फ जीजी की वजह से यहाँ आई हूँ। मिस्टर वो असिस्टेंट को फोन कर सारे र्यूमर्स बंद करवाने को बोल देता है और कहता है, मैं हमारी फैमिली को एक साथ ला के रहूंगा। मोमो अंकल केविन को देख के बहुत खुश होता है। बेस्टी पूछती है, ये कौन है? मोमो कहता है, मैंने जो अपनी मम्मी के लिए हस्बैंड ढूंढा है। बेस्टी हैरान। मेड जिया को जीजी के रूम में जाने से रोक रही थी। मिस्टर वो कहता है, ये चाहे कहीं भी जा सकती है, इसे रोकना मत, तुम जाकर जीजी के साथ सो जाओ। तो वो भाग के जीजी के रूम में आती है, बट मिस्टर वो जीजी को गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले आता है और जीजी से सोने का नाटक करने को बोल देता है। वो जाने लगा था तो कहती है, तुम कहाँ सोओगे? वो कहता है, क्यों तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? तो वो उसे क्रेजी बोल देती है और फिर जीजी को टच कर कहती है, मेरी जीजी कितनी क्यूट है, और उसके साथ लेट के उसे सुलाने लगी थी पर खुद ही सो जाती है। रात में मिस्टर वो उनके रूम में आता है और जीजी के दूसरे साइड आके लेट गया था। जीजी जाग रही थी और मिस्टर वो के हाथ के ऊपर जिया का हाथ रख देती है। उन तीनों को सास होते हुए मेड देख लेती है और उनकी फोटो खींच के वैन को भेज देती है। मॉर्निंग में ये दोनों सो रहे थी इसलिए मिस्टर वो वहाँ से जाने लगता है, बट वैन आते ही उसके ऊपर पानी डाल देती है कि तू यहाँ किसी और के फियांसे को पटाने आई है, और थप्पड़ मारने वाली थी पर जिया उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है और मारने लग जाती है। वैन कहती है, अच्छा तूने मान लिया तू जिया है। जिया कहती है, क्यों तुझे जिया से इतना डर लगता है? वैन उसके थप्पड़ मारने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे धक्का मार देती है, पर अफसोस मैं जिया नहीं हूँ। वहाँ पे मिस्टर वो आ गया था तो चली जाती है। मिस्टर वो कहता है, भूलो मत मैंने क्या कहा था, पर वैन ने जिया का एक बाल तोड़ लिया था। जीजी अपने कुछ बाल काट के उसे दे देती है, तुझे डीएनए टेस्ट कराना है ना, तो पता लगा लेना वही मेरी मम्मी होगी। वैन के वहाँ से जाते ही मिस्टर हो जिया से कहता है, तुम मेरे लिए चलस हो रही थी ना? जिया कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो किसी और के फियांसे के लिए चलस होंगी। वो दोनों एक दूसरे काफी क्लोज थे तो जीजी आकर कहती है, मम्मी आपने डैड का हैंडसम फेस देख लिया, इसलिए शर्मा रही हो ना? जिया कहती है, मिस्टर हो मेरे टाइप का नहीं है। बट मिस्टर हो उसका हाथ पकड़ कहता है, तो तुम्हारा टाइप कैसा है, मैं वैसा बन जाऊंगा। जीजी हाथ छुड़ा के उसका ब्लेजर टच करने लगी थी बट फिर जाने लगती है तो वो हाथ पकड़ कहता है, भूलो मत मैं अपने बेटे से मिले बिना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जीजी कहती है, बेटा, डैडी का बेटा, कहीं आप उसी भाई की बात तो नहीं कर रहे? जिया कहती है, कितनी बार बोलूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही मैं इसकी मॉम हूँ। जीजी कहती है, मॉमी आप मेरी मॉम नहीं बनना चाहती क्या? आप मुझ पे गुस्सा हो? पता है मैं कितने टाइम से आपको मिस कर रही थी, मुझे आप पसंद हो इसलिए तो मैं आपको मॉमी बोलती हूँ। और रोने लग जाती है तो जिया उसे अक्कर कहती है, सॉरी बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। जीजी कहती है, प्लीज मॉम वापस आ जाओ, प्लीज मेरे डैडी की वाइफ बन जाओ तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। जिया कहती है, तुम्हें आंटी इतनी पसंद है, क्या तुम आंटी के साथ रहना चाहती हो? जीजी कहती है, हाँ बिल्कुल। जिया कहती है, मेरा मतलब सिर्फ मेरे साथ। मिस्टर वो कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कर देना वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जीजी कहती है, मम्मी डैडी आप फाइट क्यों कर रहे हो? सब बच्चों के तो दोनों मम्मी डैडी होते हैं तो मुझे एक ही क्यों मिलेगा? क्या मैंने कोई गलती की है? मिस्टर वो कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अभी बेस्टी गुस्से से वहाँ आती है, असिस्टेंट बताता है कि ये मिस जेन की बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर वो कहता है, तुमने कहा तुम जिया नहीं हो तो जिया की बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? बेस्टी कहती है, क्यों मैं जेन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती? और जिया को ले जाने लगी थी, असिस्टेंट उसे रोकता है। मिस्टर वो कहता है, जब तक मैं अपने बेटे से ही मिलूंगा जिया कहीं नहीं जाएगी। बेस्टी कहती है, ओके तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। मिस्टर वो कहता है, यही जिया है ना? बेस्टी कहती है, जिया कब की मर चुकी है, तुम जानना चाहते हो ना मैंने जेन से फ्रेंडशिप क्यों की? क्योंकि ये जिया जैसी दिखती है। मिस्टर वो कुछ बोलने वाला था बट वो चिल्लाकर पड़ती है, 4 साल पहले तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर यैन को मारने का झूठा आरोप लगाया था और अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम उसे लव करते हो। तुम्हें लगता है यैन जिया की वजह से डिसेबल हुई है तो जिया के फेस का बताओ क्या हाल हुआ था? कोई किसी को बचाने के लिए अपने फेस को थोड़ी ना दांव पे लगा देगी। और उसको थप्पड़ मार देती है, असिस्टेंट उन्हें रोकने लगा था। मिस्टर कहता है, क्या तुम फिर से जीजी को छोड़ के जा रही हो? अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं जीजी को हमेशा के लिए फौरन ले जाऊंगा और तुम जिंदगी भर उससे मिल नहीं पाओगी। पर जिया अगर उसके थप्पड़ मार देती है, तुम अपनी बेटी के नाम पे मुझे धमका रहे हो, ये है तुम्हारा लव? और गुस्से से बेस्टी के साथ चली जाती है। मिस्टर वो असिस्टेंट को उनका पीछा करने को बोल देता है। बेस्टी कहती है, तुझे डर नहीं लगता वो जीजी को तुझसे दूर ले जाएगा? जिया कहती है, जितना मैं उसे जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इधर डॉक्टर डीएनए टेस्ट के द्वारा उन्हें बताता है कि जीजी जेन की बेटी है, यानी वही जिया है, वो जिंदा है। वैन मिस्टर वो को बताने जा रही थी बट येन कहती है, तुम पागल हो गई हो,
हम मिस्टर हु को सच नहीं बताएंगे बल्कि उल्टा बताएंगे। जाओ फेक डीएनए टेस्ट ले आओ। जिया घर आते ही मोमो करने लग गई थी। मोमो आकर पूछता है, मम्मी सिस्टर कहाँ है? वो कहती है, तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हारे डैडी के घर है। मोमो कहता है, मम्मी अगर आपको डैडी पसंद नहीं है तो आप दूसरे डैडी ले आओ ना। वो कहती है, तुम्हें किसने कहा? तो कहता, हाँ मम्मी आप हमेशा डैडी के लिए रोती रहती हो, तो मुझे ऐसे डैडी पसंद नहीं जो आपको रुलाए। जिया कहती है, क्या तुम सच में अपने डैडी चाहते हो? वो कहता है, हाँ पर अगर मुझे मम्मी डैडी में से चूज करना पड़े तो मैं आप ही को चूज करूंगा। क्यों ना आप अंकल केविन से शादी कर लो। बेस्टी को पता चलता है कि मिस्टर वो इंगेजमेंट करने वाला है वैन से, और उसके बाद वो जीजी को फौरन ले जाएगा। मोमो कहता है, मम्मी हमें जल्दी से सिस्टर को वापस लाना होगा। जिया को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो बेस्टी कहती है, मोमो तुझसे ज्यादा समझदार है, मैं और मोमो हमेशा तेरे साथ हैं, तू जो फैसला लेगी वो सही होगा। मोमो कहता है, मम्मी जल्दी चलो मैंने प्लान बना लिया है। फिर जिया डिसाइड करती है कि वो जीजी को वापस लेके आएगी और रेडी हो जाती है। असिस्टेंट मिस्टर हुओ से कहता है, आप ये इंगेजमेंट का नाटक तो कर रहे हो बट मैडम तो अभी तक नहीं आई। मिस्टर हुओ कहता है, वो जरूर आएगी। तभी जिया इंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए अपनी कार से उतरती है। डैड और स्टेप मॉम उन्हें देख हैरान थे। स्टेप मॉम गुस्से जाने लगी थी पर डैड कहते हैं, क्या कर रही हो, जिया तो मर चुकी है। जिया के साथ बेस्टी भी आई थी क्योंकि उन्होंने प्लान को अंजाम देना है। वो दोनों जा रही थी तो यैन उसे हेलो करने लग जाती है, बट वो दोनों भाव नहीं देती तो यैन जानबूझ के गिरने का नाटक करने लग जाती है। जिया कहती है, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं, देखो तो सही से जिया जैसी दिखती है, काम भी वैसे ही है। बेचारे डिसेबल यैन को गिरा दिया। वेटर जिया से टकरा जाता है जिससे ड्रिंक यैन के ऊपर गिर गई थी। यैन कहती है, प्लीज मेरे उठने में हेल्प करो, तो जिया उसे पकड़ के चेयर पे बैठा देती है। यैन कहती है, क्या तू अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के चली जाएगी, तुझे उसे बचाना होगा। तो जिया भाग के चाहती है, जीजी को ढूंढने लगी थी बट वहाँ पे मिस्टर हुओ बैठा था, वो यहाँ पे नहीं है। जिया उसे देख जाने लगती है बट वो उसे पकड़ लेता है। हाँ मैं मानता हूँ मैं तुम्हें अभी लव करता हूँ, बट वो कहती है, क्या बोल रहे हो, मैं जिया नहीं हूँ। मिस्टर कहता है, तुम जिया हो तो तुम्हारे बर्थमार्क भी होगा, और देखने लगा था पर उसके बर्थमार्क था ही नहीं। मिस्टर उसे पकड़ कहता है, मुझे पूरा भरोसा तुम ही मेरी जिया हो। इनफेक्ट वैन ने मिस्टर को डीएनए टेस्ट सिखाया था कि देखो वो जेन जीजी की मॉम नहीं है, यानी वो जेन जिया नहीं है, बस उसकी हम शक्ल है। बट मिस्टर हुओ वैन पे चिल्ला के पड़ता है कि तुम मुझे नकली डीएनए टेस्ट दिखा रही हो। पर जिया खुद को छुड़ा के बाहर आ जाती है। वैन डैड और स्टेप मॉम के साथ आ गई थी और कहते हैं, क्या तू जिया है? जिया कहती है, मैं जिया तो नहीं हूँ पर तुम लोग तो ऐसे जिया से डरते हो जैसे तुम लोगों ने उसे जान से मारा हो। मिस्टर हुओ आ जाता है तो वो सब चिल्लाने लगे थे कि ये जिया नहीं है, ये नकली है, और डीएनए टेस्ट दिखाते हैं। जिया कहती है, देखो प्रूफ हो गया मैं जिया नहीं हूँ। बट वो सब बकवास किए जा रहे थे तो मिस्टर हुओ कहता है, मैं इंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। वैन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने यैन की जान बचाई थी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मिस्टर हुओ कहता है, कितनी बार बोलूं, मैं सिर्फ अपनी वाइफ जिया से लव करता हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वैन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों की वजह से तुम्हारे पीछे हूँ? जिया कहती है, पैसे नहीं सी तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, और जाने लगी थी बट मिस्टर उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जिया हो या जेन, मैं बस तुम्हें लव करता हूँ। वैन कहती है, पर पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर वाज लाइक, मैं तुझे कभी भाव दिया? और फिर रिंग निकाल के जिया को शादी के लिए प्रपोज करने लगा था। तभी मिस्टर हो की मामा चाहती है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ वैन से शादी करनी होगी। मिस्टर हो कहता है, मैं वैन से शादी नहीं करूंगा, तो मॉम उसके थप्पड़ मार देती है। वो कहता है, मैं अभी नहीं करूंगा, तो मॉम फिर से उसके थप्पड़ मार देती है। मिस्टर हो कहता है, बस बहुत हुआ, आप हमेशा मुझे कंपनी के लिए ब्लैकमेल करती रहती हो, पर इस बार मैं जिन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो मॉम जिया के थप्पड़ मार देती है और फिर दोबारा मारने वाली थी तो मिस्टर हु हाथ पकड़ लेता है, आप चाहे कुछ भी कह लो मैं जिया को नहीं छोड़ने वाला। पर जिया खुद ही वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर हु उसका हाथ पकड़ के रोकता है तो वो कहती है, तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। मिस्टर हु कहता है, तुम जेलस हो रही हो ना, वैसे भी इंगेजमेंट पार्टी मैंने कैंसिल कर दी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुमसे लव करता हूँ। जिया कहती है, पर मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। मिस्टर हु कहता है, कौन है वो, क्या वही लड़का तुम्हारा बॉस केविन? जिया कहती है, तुम यकीन करना है तो करो वरना मैं तुम्हें प्रूव नहीं करने वाली। तभी असिस्टेंट मिस्टर को बुला के ले जाता है। बेस्टी अगर कहती है, प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। बॉडीगार्ड जीजी का ध्यान रख रहे थे तो वो दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी मोमो आ जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, और अपनी वॉच से फोन कर कहता है, कैमरा नंबर 2 को पॉज कर दो। वो दोनों वर लाइक, तुम तो स्मार्ट हो। मोमो कहता है, अब हम सब अलग अलग होंगे, मैं और आंटी इस बॉडीगार्ड को संभालेंगी और मॉम आप जाकर सिस्टर को चुरा लेना, हम कार लेके बाहर तैयार खड़े रहेंगे। फिर मोमो भागने लगा था तो बेस्टी कहती है, उस बच्चे को पकड़ो। वो मिस्टर होके रिंग लेके भाग गया तो बॉडीगार्ड उसके पीछे पड़ जाता है।
इसी बात का फायदा उठाकर जिया अजीज से मिलने आ जाती है और उसे भगा के लेके जाने लगी थी। येन और वैन देख रही थी। वैन जाने लगती है पर येन उसे रोक लेती है। बिल्कुल नहीं, जब मिस्टर को पता चलेगा किसी ने उसकी बेटी को चुरा लिया तो वो क्या करेगा। फिर वो जिया और जीजी दोनों को पकड़ लेते हैं। जीजी कहती है छोड़ो मेरी मम्मी को तुम बुरे लोगो, और वैन जीजी को पकड़ के ले जाती है। बाहर ये दोनों वेट कर रहे थे कि जिया अभी तक आई क्यों नहीं। मोमो कहता है कहीं मॉम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई, और केविन को फोन कर कहता है अंकल मेरी मॉम को बचाओ। स्टेप मॉम जिया के थप्पड़ मारती है कि तूने मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी, और उसके सिर पे ठाके पॉट मार देती है जिससे जिया नीचे गिर गई थी। वो दोबारा मारने लगी थी बट केविन आकर उसे बचा लेता है। जिया भी होश हो गई थी तो कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और लेके चलने लगा था। मिस्टर वो आ जाता है तो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर कहता है और ये मेरी बेटी की मॉम है। बट केविन फिर भी जिया को ले जाता है। वैन पीछे जाने लगी थी। मिस्टर कहता है तुम पागल हो गई हो। वो कहती है तुम उस जिया को ऐसे जाने दोगे, वो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर रही थी। और वो लड़का कौन था वो। मिस्टर कहता है वो एसटी कंपनी का इकलौता वारिस है। तो वैन डर जाती है। मिस्टर कहता है तुम लोगों ने किया है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिस्टर के जाने के बाद उसकी मॉम भी जाने लगी थी तो वैन कहती है आप कहाँ जा रही हो, मेरी शादी करवा के जाना। मॉम कहती है जब मिस्टर तुझे बिल्कुल भाव ही नहीं देता तो वो तुझसे कभी शादी नहीं करने वाला, और चली जाती है। फैन कहती है अब मैं क्या करूं, मिस्टर तो मुझसे शादी नहीं करेगा। येन कहती है अब भी एक तरीका है, तुझे मिस्टर हो के साथ 1 नाइट स्टैंड करना होगा। फैन कहती है मैं कैसे करूंगी, वो तो मुझे टच भी नहीं करता। येन कहती है तो उसे टच करवाना पड़ेगा, हम उसे नशा देंगे। जिया को होश आता है तो केविन खुश हो जाता है। सॉरी मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मेरे फ्रेंड हो। केविन का उस पे बहुत टाइम से क्रश है और वो उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है, बट सिया सॉरी बोल देती है क्योंकि वो तो उसे अपना फ्रेंड समझती है और कहती है अपना टाइम मुझ पे वेस्ट मत करो। वो कहता है कोई बात नहीं, टाइम तो होता ही वेस्ट करने के लिए है। तभी उसे बेस्टी का फोन आ जाता है, कहाँ पे है तू। वो कहती है मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या मोमो सो गया। वो कहती है मोमो सोया नहीं है, तेरा वेट कर रहा है। जिया कहती है ओके तो मैं अभी आती हूँ। केविन कहता है कहाँ जा रही हो, तुम्हें चोट लगी है। जिया कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, कार एक्सीडेंट में मरते मरते बची थी, तब नहीं मरी तो अब क्या होगा। और वो केविन के साथ चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर हो को अगर बताता है कि जिया किसी लड़के के साथ अपने घर जा रही थी और उसके बाद अंदर से एक छोटा बच्चा भी निकला, और वो फोटो दिखाता है। मिस्टर हो सैड था। तभी वैना चाहते ड्रिंक लेके, और वो बार बार मिस्टर हो को ड्रिंक करने को बोले जा रही थी। मिस्टर को समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं करता। वैना उसे ड्रिंक करके दिखाती है, देखो इसमें कुछ भी नहीं था। मिस्टर कहता है मैंने सीसीटीवी में देखा था, तो तुम्हें मेरा वाला ग्लास ड्रिंक करके दिखाना होगा। जिया टॉवल लपेट के अपनी चोट देखने वाली थी बट वहाँ पर केविन और मोमो बैठे थे। केविन मोमो को अंदर ले जाता है। मोमो कहता है मैं और मम्मी अपनी सिस्टर को चुरा लेंगे, तब हम सब जने इटली चले जाएंगे। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें मम्मी से शादी करने की परमिशन दे दूंगा। केविन कहता है क्यों, तुझे तो अपना डैड पसंद नहीं है। मोमो कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मम्मी को बुली करता है। केविन कहता है पर तेरी सिस्टर। मोमो कहता है मेरी सिस्टर भी मेरी मम्मी को चूज करेगी। इधर बेस्टी जिया से कहती है मुझे लगता है मिस्टर वो सच में काफी बदल गया है, क्या तू उसे एक चांस देगी। जिया कहती है मुझे भी नहीं पता। इधर केविन मिस्टर हो से आकर कहता है मैं तुझे 1 बिलियन दूंगा, जेन का पीछे छोड़ दे। मिस्टर कहता है कभी भी नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत लव करता हूँ और वो भी मुझे लव करती है। केविन कहता है ओके तो जिया भी छोड़ देते हैं, वो तुझे चूज करेगी या मुझे। जिया मिस्टर हो के साथ कोऑपरेशन कैंसिल करने आई थी, वो उसके लिए केक लेके आता है तो वो जाने लगी थी, बट अचानक से लाइट जाने से गेट लॉक हो जाता है। जिया खोलने की कोशिश करती है और फोन भी करती है पर नेटवर्क नहीं आते। मिस्टर हो कहता है अब हम बाहर तो जा नहीं पाएंगे, मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेके आया हूँ, चलो साथ में बैठ के खाते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हारी जिया नहीं हूँ। मिस्टर हो कहता है क्या तुम उस स्टीवन की वजह से ऐसा कर रही हो। जिया कहती है तुम्हें जो समझना समझ लो। मिस्टर हो कहता है क्या तुम स्टीवन को लाइक करती हो। वो कहती है स्टीवन काफी अच्छा इंसान है पर। मिस्टर हो कहता है तुम मान रही हो ना तुम जिया हो। जिया फिर से मना करने लग जाती है तो वो कहता है तुम जानती हो मेरी मॉम को, भले ही मैंने वैन से एंगेजमेंट तोड़ दी पर मेरी मॉम फिर से कोई और लड़की ढूंढने लग जाएंगी, पर मैं नहीं चाहता मैं अपनी बेटी के लिए स्टेप मॉम लेके आऊँ। अगर तुम मान जाओगे तुम जीजी की मॉम हो तो मॉम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी और कोई मेरी बेटी को हर्ट नहीं कर पाएगा। जिया कहती है हाँ मैं जिया हूँ, पर क्या तुम मेरी बेटी मुझे वापस कर दोगे। मिस्टर कहता है पता है 4 साल से मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और उसे हक्का लेता है। जिया बैठी बैठी अंदर सो गई थी उसकी बाहों में तो वैन आकर उसके मारने लग जाती, बट मिस्टर हो आ गया जाता है और कहता है तुम पागल हो गई हो। इनफेक्ट मिस्टर हो ने भी वैन के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। जिया मिस्टर हो का हाथ पकड़ ले जाने लगी थी बट वैन उसे रोक के उसके थप्पड़ मारने वाली थी, तो मिस्टर हो उसका हाथ पकड़ लेता है
लगता है तुम्हें अभी सबक नहीं मिला। तो वेनस उठा के कुछ मारने लगती है, बट मिस्टर हो बीच में आ जाता है। तो जिया कहती है जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। हॉस्पिटल में मॉम आते ही जिया के थप्पड़ मार देती है कि तेरी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो जिया घर वापस आ जाती है, मॉम उसे हक कर लेता है। बेस्टी पूछती है तू ठीक तो है ना, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस रेस्ट करने जा रही हूँ। और सैड थी, केविन आकर पूछता है तुम कल रात मिस्टर हो के साथ थी, क्या तुम उसे अब भी लाइक करती हो? वो कुछ नहीं बोल पाती। तो कहता है तो क्या तुम मुझे लाइक करती हो? कहती है क्या बोल रहे हो? तो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर केविन जाता हो मोमो से कहता है अपनी मोम का ध्यान रखना मैं जा रहा हूँ। बेस्टी उसे मिल्क देके कहती है जाओ अपनी मोम का ध्यान रख लो। तो वो अपनी मोम को मिल्क देने जाता है। जिया कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मोमो कहता है मम्मी आपको बस अपने दिल की सुननी चाहिए। तो वो उसे अक्कर लेती है। जिया को मिस्टर का फोन आता है तो वो जाने लगती है, बट वैन का गुंडा जिया को मार के बेहोश कर लेता है और उठाकर ले जाता है। इधर मिस्टर वो होश में आ कहता है तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? जैन कहती है कुछ भी तो नहीं। मिस्टर वो कहता है अब बहुत हो गया तुम अपना नाटक बंद कर दो। कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? मिस्टर वो कहता है और जिया मेरी वाइफ है तुमने उसके साथ क्या किया? उस टाइम कार एक्सीडेंट में जिया भी जख्मी हुई थी तो तुमने जिया का नाम क्यों लगाया कि उसने तुम्हें लंगड़ा किया? मिस्टर वो फिर जिया को ढूंढने जाता है और गेट पे जाने लगा था जिया गेट खोलो। घर में सिर्फ मोमो था और वो कान लगा के गेट पे सुनने लग जाता है। असिस्टेंट बताता है कि शायद मैडम का किडनैप हो गया। तो वो दोनों से ढूंढने निकल जाते हैं। मोमो कहता है मम्मी डरो मत मैं आपको बचा लूंगा। इधर वैन ने जिया का किडनैप कर लिया था और वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। उसके गुंडे जिया के साथ बदतमीजी करने लगे थे तो जिया खुद को बचाने की कोशिश करती है और बॉटल लेके कहती है अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं खुद को जान से मार लूंगी। इधर मोमो जिया की लोकेशन पता करके केविन को सेंड कर देता है। मिस्टर वो भी उसे बचाने आ रहा था। जिया गुंडों के काट के भागने वाली थी बट उसके सिर में चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। तो वैन के कहने पे गुंडे उसके ऊपर पानी डालते हैं और होश में आते हुए फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तभी मिस्टर और असिस्टेंट आ जाते हैं और गुंडों को खूब धोते हैं। वैन टूटी हुई बोतल जिया की गर्दन पे रख लेती है। इसका फायदा उठाकर गुंडा मिस्टर हो के सिर पे बोतल मार देता है। वैन कहती है तू इसे इतना लव करता है मैं इसे जान से मार दूंगी और उसके मारने लगी थी बट मिस्टर हो आके आ जाता है। बेस्टी मोमो और केविन वहाँ पे पहुँचते हैं तो जख्मी मिस्टर हो जिया को गोद में उठाकर ला रहा था, उसे लेके चलने लगा था। तो मोमो कहता है डैडी, वो रुक जाता है बट फिर हॉस्पिटल ले जाता है उसे। जिया को होश आता है, मोमो कहता है मम्मी आप ठीक हो? क्या आपने सिस्टर के लिए सब कुछ किया? वो कहती है हाँ मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मोमो कहता है और मैं भी मम्मी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो प्लीज आप कभी खुद को खतरे में मत डालना। जिया इधर उधर देख रही थी तो कहता है मम्मी आप डैडी को ढूंढ रही हो पर डैडी यहाँ पे नहीं है। वो कहती है कहाँ पे है वो? मोमो कहता है वो उस बुरी लड़की को पकड़ के ले गए और वो बहुत डरी हुई थी। इधर मिस्टर वैन को लाके उसके मॉम डैड के पास पटक के मारता है कि अपनी बेटी को सुधार लो वरना मैं इसका सीधा हेल का टिकट कटवा दूंगा। वैन उसका हाथ पकड़ने लगी थी तो उसे धक्का मार के चला जाता है और आते सीधा यैन के जोरदार थपड़ा मारता है और गुस्से से चला जाता है। यैन कहती है जिया सब तेरी साइड में है ना, तूने सबको मुझसे छीन लिया पर तेरी बेटी मेरे हाथ में है। और जीजी से मिलने जाती है। मिस्टर हो जिया से मिलने आता है, केविन उसे रोक रहा था। मिस्टर हो उसे माफी मांग रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो और हम सब साथ में फैमिली बन के खुश रहेंगे। जिया कहती है सॉरी हम साथ नहीं हो सकते। बट मिस्टर हो शाना से गिर जाता है तो कहती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तुम मुझे अब भी लव करती हो ना? और मिस्टर हो बेहोश हो गया था तो कहती है उठो मिस्टर हो क्या हुआ तुम्हें, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इधर वैन और यैन जीजी को कहीं लेके जा रहे थे, जीजी मना करने लगती है तो वैन जीजी को बेहोश कर लेती है। पीछे से कार में मोमो आ रहा था और वो देख लेता है तो उस कार का पीछा करने लग जाता है। वैन जीजी को किडनैप करके हॉस्पिटल ले आई थी और फोन कर डॉक्टर को इंजेक्शन लेके बुलाती है और मोमो वहीं छुप के सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर से कहती है इसे वायरस का इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर मना करने लगा था कि ये छोटी सी बच्ची है बट वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है तो डॉक्टर भी मान जाता है। जैसे वो दोनों वायरस का इंजेक्शन लेने बाहर जाते हैं मोमो अंदर घुस आता है और जीजी को उठा लेता है। फिर वो जीजी को गोद में उठाकर पर्दे के पीछे छुपा देता है। वो दोनों आकर देखते हैं एक बच्चा तो उसे भगाने लगे थे और कहते हैं जीजी कहाँ गई और उसे ढूंढने बाहर जाते हैं तो मोमो आकर जीजी को वहाँ से ले जाता है। इधर मॉम जिया की बातें सुन लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि जेनी जिया है और वो ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट थी। तो कहती है मेरा ग्रैंडसन तेरे पास है? जिया कहती है वो आपका ग्रैंडसन नहीं है मेरा बेटा है। मिस्टर जैसे होश में आता है मॉम कहती है मुझे मेरा ग्रैंडसन वापस चाहिए, कहीं वो लड़की दोनों बच्चों को लेना चाहे। मिस्टर कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती। मॉम कहती है एक मॉम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर मॉम से वैन को पता चल जाता है कि जिया के ट्विन बच्चे हैं तो सब समझ आती है वही लड़का उसका दूसरा बच्चा होगा। जिया का फोन नहीं लग रहा था तो मिस्टर को लगता है कि जिया सच में उसके बच्चों को लेके जा रही है।
जिया को फोन आता है कि मोमो मिसिंग है, वो उसे ढूंढने जाने लगी थी बट मोमा चाहती हैं मेरा ग्रैंडसन कहाँ है। जिया कहती है छोड़ो मुझे, मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है, बट मोम को लग रहा था कि वो बहाने बना रही है। तभी मिस्टर हु आ जाता है और कहता है कहाँ जा रही हो तुम, वो कहती है हमारे बच्चे मिसिंग है। और उसे यान का कॉल आता है, यान और वैन दोनों बच्चों को ढूंढ लेते हैं, वो हॉस्पिटल के रूफटॉप पे छुपे हुए थे। वैन दोनों बच्चों को जान से मारने वाली थी, यान कहती है बच्चों को कुछ नहीं करना, मुझे बस उस जिया से बदला लेना है। तो उन्होंने बच्चों को बांध रखा था। इतने में जिया और मिस्टर हो भी आ जाते हैं। मिस्टर हो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, मेरे बच्चों को छोड़ दे। यान जिया से कहती है अगर अपने बच्चों को बचाना है तो जाकर इस बिल्डिंग से कूद जा। दोनों बच्चे मना कर रहे थे पर जिया चलने लग जाती है। केविन और मिस्टर हो उसे रोकते हैं। वैन कहती है तुम लोग मानोगे नहीं ना, पहले इन दोनों छोटे पैकेट को फेंक देते हैं। मोमो कहता है मॉमी मैं आपके लिए कूद जाऊंगा। मॉमी आप दुनिया की बेस्ट मॉमी हो, डैडी प्लीज मेरी मॉमी का ध्यान रखना। भले मॉमी ने कुछ नहीं कहा पर वो आपको बहुत लव करती हैं। जिया भाग के जाकर उसे हक कर लेती है। जैन कहती है मैंने कहा ना बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। जिया तू वेट काहे का कर रही है, जल्दी से जाकर कूद जा बिल्डिंग से, या अपने बच्चों को मरवाना है। तो जिया मोमो की जगह खुद कूदने लगती है। दोनों बच्चे कहते हैं मॉमी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। जिया कहती है बच्चों मैं तुम दोनों को बहुत लव करती हूँ, अपने डैड के साथ हमेशा खुश रहना। गुड बाय बोलकर वो कूद जाती है बट मिस्टर हु उसका हाथ पकड़ लेता है और वैन मिस्टर हु के चाकू मार देती है, बट वो फिर भी जिया का हाथ नहीं छोड़ता। तो केविन वैन को पकड़ लेता है और मिस्टर हु जिया को ऊपर खींच के बचा लेता है। दोनों बच्चे मॉमी डैडी करते हुए अपने मॉमी डैडी को हक कर लेते हैं पर यान भी होश हो गई थी। दोनों बच्चे कहते हैं आंटी अब उठ जाओ ना। फिर जिया यान को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिससे प्रूफ हो जाता है कि 4 साल पहले जो उनका कार एक्सीडेंट हुआ था वो वैन ने करवाया था। तो यान उससे माफी मांगने लग जाती है कि मैंने तुम्हें शुरू से ही गलत समझा। जिया कहती है सॉरी पर मैं तुम्हारी माफी कभी कबूल नहीं कर सकती और चली जाती है पर यान रोए जा रही थी। फिर चारों साथ में थे। मिस्टर वो कहता है क्यों ना हम हनीमून पे इंग्लैंड या फ्रांस चले, वो कहती है इटली चलेंगे। मिस्टर वो कहता है ओके। और फिर चारों साथ में बहुत खुश थे। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।